सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सेंटर 2.0 को और बेल आइकन को प्रेस करिए सभी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। एग्जाम सेंटर 2.0, मेरा नाम अभिषेक पांडे। दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप 2020-21 सेशन की जो लास्ट डेट थी वो निकल चुकी है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि हमारा फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा है। तो आप लोगों को बता दिया था मैंने पहले भी कि जो फाइनल प्रिंट होता है 3 दिनों के बाद या फिर 3 दिनों के भीतर निकल आता है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। मैंने आपको 10 तारीख को एक लॉक करके भी दिखाया था फाइनल, और उसके बाद अभी मैं 10 वाला जो फाइनल प्रिंट था उसको अभी यहाँ पर निकाल के दिखाने वाला हूँ। आप लोगों को सही से सारी चीज़ें करनी है, किस तरह से करनी है, तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर गूगल के ऊपर upscholarship.nic.in डालना है, और लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। यहाँ पर देखिए, मैंने यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट खोल ली है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके सीधा यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद मैंने उस दिन जो रजिस्ट्रेशन किया था, जो उस दिन मैंने लॉक किया था, उस दिन मैंने जो फाइनल लॉक किया था वो एक फ्रेश स्टूडेंट का किया था। तो मैं अभी आपको वही वाला प्रिंट निकाल के दिखाने वाला हूँ, फाइनल प्रिंट। और 10 तारीख को किया था, और आज तारीख है 12, मतलब कि 11 के बाद 12 तारीख है। अभी 3 दिन पूरे भी नहीं हुए हैं, उसी के भीतर यहाँ पर ये फाइनल प्रिंट आ चुका है। तो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ये करके स्टूडेंट वाले ये सेक्शन पर क्लिक करके यहाँ पर, और ये रजिस्ट्रेशन करके फ्रेश लॉगिन पर आना है, ठीक है। तो फ्रेश लॉगिन हम करते हैं। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन, मैंने इसी का किया था। तो यहाँ पर मैं आपको इसी पर क्लिक करके और ये सारी चीज़ें करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं फटाफट से। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद आपका जो पासवर्ड है और कैप्चा कोड, ये सारी चीज़ें सही से फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद ही आप लोग लॉगिन कर पाएंगे और सारी चीज़ें स्मूथली चल पाएंगी, ठीक है। तो मैं अभी सारी चीज़ें फिल करके आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर सारी ही चीज़ें फिल कर ली हैं, ठीक है। ये पासवर्ड भी डाल दिया है, ये यहाँ पर कैप्चा कोड भी डाल दिया। ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है कि सही से ही फिल करें, ठीक है। फिल करने के बाद हम यहाँ सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये जो है सारी चीज़ें लॉगिन हो चुकी हैं। मैंने यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल्स को हाइड कर दिया है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ सारी ही चीज़ें कि ये जो ग्रीन टिक्स आ रहे हैं, आपको ग्रीन टिक्स दिख रहे हैं, ये सभी आ चुके हैं, और ये फाइनल प्रिंट किस तरह से डाउनलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, ये ग्रीन टिक्स यहाँ पर आ चुके हैं, और मैंने 10 तारीख को किया था, और आज तारीख है 12, मतलब कि 3 दिनों के अंदर ही यहाँ पर ये फाइनल प्रिंट वाला सेक्शन हम लोग कर सकते हैं। ये है संस्था में जमा करने हेतु फाइनल प्रिंट, यहाँ पर क्लिक करते ही फाइनल प्रिंट आपके सामने खुल जाएगा। मैं अभी आपको फाइनल प्रिंट खोल के दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये यहाँ पर फाइनल प्रिंट आ चुका है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो मैंने किया था 10 तारीख को किया था, और ये आप लोग छाप तारीख भी यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिए, मैंने छाप तारीख अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, छाप तारीख 12/1/2021 आज ही के दिन और अभी आ चुका है। अब यहाँ पर आप लोग इस पर क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं, PDF डाउनलोड करके अपना फाइनल प्रिंटर निकाल सकते हैं इजीली, और आप लोग संस्था में जमा कर सकते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स को लगाकर। मैं अभी आपको और भी दिखा देता हूँ पूरा ही फाइनल प्रिंट। ये देखिए, पूरा फाइनल प्रिंट यहाँ पर आ चुका है। अब आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, इसके आखिरी वाले पेज के ऊपर आपको सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ठीक है। ये पहला नंबर है आप लोगों को अभिभावक के आय प्रमाण पत्र, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है, और जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। संस्था में जमा की गई शुल्क की जो आपकी रसीद है उसको भी यहाँ पर आपको मेंशन करना है, लगाना है उसका फोटोकॉपी। और बीएड के स्टूडेंट्स हैं तो एनरोलमेंट, आप जो एनरोलमेंट कॉलेज वाला लेटर है उसको लगा सकते हैं। आगे दिया गया है, यदि दो कक्षाओं के बीच गैप है, अगर आपका कोई भी गैप है
तो आपको स्व प्रमाणित शपथ पत्र वहाँ पर लगाना है। जैसे आपको इंटर के बाद या ट्वेल्थ के बाद कोई भी गैप लिया है 2 साल का 1 साल का, उसके बाद ग्रेजुएशन किया है, या ग्रेजुएशन के बाद आपका कोई भी गैप है, देन आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो उसका भी आपको शपथ पत्र खुद ही लगा देंगे आपको सेल्फ अटेस्टेड करके। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि हॉस्टल में अगर आप लोग रहते हैं तो आप उसकी भी रसीद प्रमाण पत्र में लगा सकते हैं। ठीक है, आगे दिया गया आपके जो बैंक अकाउंट की जो पासबुक होती है उसका फ्रंट पेज का कॉपी लगाना है, फोटोकॉपी, जिसमें कि आपका आईएफएससी कोड और आपका अकाउंट नंबर और आपका नाम, आपका फ़ोटो अगर है तो उसको भी मेंशन कर सकते हैं। सारी चीज़ें साफ साफ वहाँ पर दिखनी चाहिए। आगे आपको हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र है, अंक पत्र, मतलब कि आपका जो मार्कशीट होती है हाई स्कूल की, उसको भी लगाना है। और पिछली कक्षा में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लगाना है, बीए किया है, एमए किया है, जो भी किया है ग्रेजुएशन में, आपको पिछली कक्षा का लगाना है। फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर में है और सेकंड ईयर के लिए अप्लाई किया है तो फर्स्ट ईयर का लगा दीजिए, या फिर आप जिस भी कोर्स में, आपको फाइनल ईयर का यहाँ पर लगा देना है। यहाँ पर अपना नाम, सॉरी ये आपके लिए नहीं है, ये आपके शैक्षिक संस्था के अधिकारी के लिए है। और यहाँ पर आप लोगों को अपना लगाना है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ आप लोग अपनी दिनांक लिख सकते हैं, दिनांक लिखना है, यहाँ पर आपके माता पिता के हस्ताक्षर यहाँ पर, और ये आपका स्थान और आपके हस्ताक्षर यहाँ पर करने होंगे। ठीक है, तो यही जानकारी थी। आप लोग जो कह रहे थे कि फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा है, तो यहाँ मैंने जो किया था वो तीसरे दिन ही निकल आया है, मतलब कि 10 को किया था, 10, 11 और 12, आज तीसरा दिन है, तो आज ये यहाँ पर फाइनल प्रिंट निकल आया है। तो आप लोग भी अपना चेक कर लीजिए, और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको आ रही है डाउनलोड करने में, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। स्कॉलरशिप के बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर जुड़ चुके हैं, आप लोग मुझसे कोई भी क्वेरी वहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो आपसे अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग सही रहिए और कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं। अगर आपका जो अभी कमेंट्स मैंने देखे, तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि उनका इनकम सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो मैच नहीं हो रहा है, किसी का रोल नंबर मैच नहीं हो रहा, किसी का कुछ। अगर ऐसी समस्या आपकी भी है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, मैं वहाँ पर आपको सॉल्यूशन बता दूंगा कि किस तरह से आपको ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और फाइनल प्रिंट निकलने लगा है। तो आप लोग अपना चेक कर लीजिए, जिन लोगों ने 10 तारीख को किया था उनका भी आने लगा है, और पहले किया था उनका तो आ ही गया होगा। अगर कोई भी समस्या आ रही है तो आप लोग मुझसे जल्दी से जुड़ जाइए, नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मुझे फॉलो कर लीजिए, तो वहां पर मैं आपको तुरंत ही सॉल्यूशन इस चीज़ का दे दूंगा। तो दोस्तों आप लोग भी इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, जिनका फाइनल प्रिंट नहीं आया था या कोई भी समस्या आ रही थी, तो उनको भी सॉल्यूशन पता चल जाएगा।